गाइस इट्स प्रांजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये इतना प्यारा व्यू देख के आपको समझ में ये आ रहा ही होगा कि मैं बहुत अच्छे प्लेस पे घूमने के लिए आई हूँ। ये रेनी सीजन बहुत ही प्यारा होता है, इसमें इतना अच्छा क्लाइमेट हो जाता है ना कि पूछो ही मत। और हम लोग आए हैं माथेरान और ये है मेरे रूम के बाहर के बालकनी का व्यू है। इतना प्यारा व्यू है, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। और ये वाटरफॉल वाव लाइक ना इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा व्यू है। ये हमारी बालकनी है, उस साइड भी एक बार चेक कर दीजिए। ये प्रॉपर एक बालकनी है हमारे रूम के बाहर से, ये पूरा व्यू हम लोग को देखने मिलता है। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करने बाहर जाएंगे, पूरे डे का आज मैं ब्लॉग करने वाली हूँ। और ये रूम का जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मैं दे दूंगी, रूम्स के जो भी डिटेल्स है, तो डू चेक आउट बिकॉज बहुत वर्थ प्रॉपर्टी है। इतना अच्छा व्यू मिलना वो भी माथेरान में, चुम्मेश्वरी व्यू है। सो यहाँ भी हम लोग जाते हैं हमारे माथेरान एक्सप्लोर करने। सो है हम लोग अभी ट्रैक के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे कॉटेजेस हैं, लाइक ये पूरा लेफ्ट साइड में आपको पूरा लास्ट तक दिखेगा एंड यहाँ पे अभी मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको कॉटेजेस की कुछ भी कमी नहीं है, आप ऊपर आके डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये सब जो ब्लर है वो सब फॉग है। यहाँ पे इतना फॉग है ना कि पूछो ही मत, बहुत पूरा ब्लैंक है, आगे का भी कुछ नहीं दिखता। और इतना प्यारा व्यू है, ये इतना प्यारा जंगल है ना, इसमें मतलब ट्रैक करने का मज़ा ही कुछ और है। बट यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं, बहुत बंदर हैं। सो यहाँ पे दो वे है जाने के लिए, यहाँ से नीचे से पटरी है, सीधा सीधा वहाँ से भी जा सकते हो। और ये घोड़ा का वे है, यहाँ से घोड़े जाते हैं। बट आप, मैं तो चल के जाने वाली हूँ, आप घोड़ा वगैरह कुछ मत लो और वैसे ही चल के जाओ क्योंकि बहुत अच्छा व्यू है, तो वो एंजॉय करो। क्योंकि चल के जाने में इतना प्यारा नज़ारा देखने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा है, घोड़े से जाने से अच्छा चल के जाओ। चलिए, सो हम लोग ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है। ये मैंने मसाला डोसा लिया है, सो लेट्स हैव इट वन बाइट। चटनी बहुत ठीक है, मतलब अच्छी चटनी है, बहुत टेस्टी है, क्रंची है। पूरी भाजी भी ऑर्डर किया है तो वो देखते हैं वो कैसा टेस्ट है। सो यहाँ पे बाकी सब पॉइंट्स है, लाइक इसी रास्ते से आप इको पॉइंट, किंग पॉइंट, हनीमून पॉइंट करोगे। बट हम लोग जा रहे हैं रास्ते पे, हम लोग को चार्लोट लेक मिलेगा। सो हमें लेक की तरफ जाना है, पॉइंट्स बाद में देखेंगे, लेक देखना है। सी बहुत प्यारा वे है जाने के लिए, पूरा जंगल जंगल है। बस बस ये पीछे भी देखो कितना सही लग रहा है, बहुत पीसफुल है, पूरे जंगल के बीचों बीच है। और यहाँ पे कितना बड़ा ट्री है वो भी रास्ते में, एक बहुत मस्त लग रहा है। और अभी हम लोग वो लेक के साइड में ही जा रहे हैं। बहुत प्यारा लोकेशन है, हम लोग लेक के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये उस साइड हम लोग जाएंगे, बहुत फॉगी हुआ है और नीचे से देखेंगे हम लोग क्या है कैसा है। और ये राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है, झरना जैसा। और बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम एक्साइटेड टू गो। सो हम लोग तो यहाँ पे बहुत प्यारा वाटरफॉल है और ऊपर की तरफ पे भी बहुत अच्छा लेक है, तो वो भी हम लोग जाके देखेंगे लेक कैसा है। और तो देखते हैं एक एक करके, और नीचे जाके हम लोग को एंजॉय भी करना है, पहले ऊपर जाते हैं। एक्चुअली बहुत सारे प्रबल गढ़, कलावंती गढ़ एंड ऑल वहाँ से दिखते हैं। सो यार लेट्स गो, लुक एट दिस व्यू गाइस, वाओ, आई एम इन लव विद
इतना प्यारा व्यू है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से पूरा व्यू। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं आज बिकॉज वीकेंड है। सच में दिल छू गया इस जगह ने मेरा, बहुत प्यारा लग रहा है। और बहुत बारिश आ रहा है इसलिए मैंने रेनकोट पहना है, माइक बाहर निकाल के रखा है। मस्त लग रहा है, वाह सुकून। लुक एट दिस व्यू गाइस, इतना प्यारा लग रहा है ना कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, बहुत प्यारा लग रहा है। और इतना बड़ा है ना पूरा जंगल जंगल, और उसमें ये लेक। और ऐसा नहीं है कि इधर ही है, बहुत आगे भी है, यहाँ पे जंगल पे भी हम लोग जाने वाले हैं। और प्लस हम लोग उस साइड भी जाने वाले हैं देखने के लिए। तो मुझे बहुत प्यारा लगा है, मैं बहुत सारे फ़ोटोशूट एंड रील्स निकालने वाली हूँ, तो वो सब मैं इंस्टा पे भी पोस्ट करूँगी, वो देख लेना एक बार। बट शो सम लव बिकॉज बहुत प्यारा व्यू है। ये माथेरान में है, तो आप मेरा व्लॉग एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे 101% आपके फैमिली के साथ विजिट करना, मतलब हेवन दिखेगा आपको यहाँ से, इतना अच्छा है, जन्नत में आ जाओगे। बहुत क्यूट लग रहा है। बारिश में गुड्डा खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो मज़ा आ रहा है ये खाने में। कि ट्रेन मुझे देखता है यहाँ पे इतने छोटी प्लेस में कैसे बैठता है। तो अभी ट्रेन वापस जाने का टाइम हो चुका है, माथेरान स्टेशन से वो नीचे जा रहा है अभी ट्रेन, तो वहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है बिकॉज इतना फॉग है तो वो दिख रहा नहीं है। तो यहाँ से जाते वक्त मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे नॉर्मल एक छोटा सा स्टॉल है, तो यहाँ से हम लोग वड़ा पाव खाने वाले हैं अभी। बॉनफायर भी है मस्त वाला, ठंडी भी लग रही है, बहुत अच्छा फॉगी मौसम हुआ है और मस्त लग रहा है। और रेनकोट मैंने एक सेफ्टी के लिए पहन लिया है बिकॉज बीच बीच में बारिश आ रहा है, बीच बीच में बंद हो रहा है, तो अभी बारिश स्टार्ट हुआ है एक्चुअली। गर्मा गर्म वड़ा पाव रेडी है, मैंने ना दो दो वड़ा पाव लिया है बिकॉज बहुत अच्छा मौसम है, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो लेट्स हैव इट वन बाइट। बहुत गर्म है, वाओ एकदम मस्त टेस्ट लग रहा है। आज गाँव ची है अरे कभी को वड़ापाव चाय वड़ापाव तो हमें इतने देखो, स्टेशन पर 10 मिनटों और अंतर हो रहा है। इनका जो स्टॉल है वो स्टेशन माथेरान स्टेशन से 5 से 10 मिनट वॉकिंग है, तो यहाँ पे आके ये सब जो वड़ा पाव भजी पाव मैगी चाय कॉफ़ी सब आप एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू वेलकम। सो हम लोग अभी रात का व्यू देखने यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, सामान लेना है। अंधेरा बहुत है, शायद मैं नहीं दिख पाऊँगी आपको, बट यस बड़ा भी हम लोग नॉर्मल थोड़ा सा चिप्स एंड ऑल लेंगे। डिनर का ऑर्डर दे दिया है बट थोड़ा सा स्नैक्स खाना है अभी, सो अभी कुछ लेते हैं खाने के लिए। और बहुत ही बढ़िया मार्केट है, देखिए मेरे पीछे बहुत अच्छा मार्केट है। सी यहाँ पे आपको बहुत होटल्स मिलेंगे खाना खाने के लिए, बहुत वेज नॉन वेज वेराइटीज़ होटल शॉप्स, किराने की शॉप्स भी हैं, आप सब कुछ यहाँ ऊपर आके भी परचेस कर सकते हो। सो हम लोग का डिनर आ चुका है, बहुत डिलीशियस चिकन की नॉर्मल जो सब्जी रहती है ग्रेवी वाली वो है, इसमें रस्सा है, राइस एंड चावल की रोटी, ये पूरा मील है। और उसके साथ हम लोग को ओनियन और लेमन दिया है, नमक दिया है, और ये चटरपटर सब हम लोग लेके आए हैं मार्केट से, तो मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको।
होटल बुक किया था वहाँ पे जो आंटी है वो बना के देती है, प्रॉपर घर का खाना होता है। आप यहाँ से आप ले सकते हो, बहुत टेम्पटिंग है। लुक एट दिस ग्रेवी, वाव, बहुत टेस्ट है, बहुत, मतलब बहुत अच्छा है। और प्लस इसकी मेन बात, ये अनलिमिटेड खाना है। इसका प्राइस एंड ऑल में सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो चेक कर देना। तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर पे, ये एग्जिट का पॉइंट है। तो लास्ट तक वीडियो देखना, मैं पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी रेट्स के साथ। तो अभी पार्किंग में जाती है। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेने के बाद यहाँ से आपको एंट्री मिलेगा। तो आज सैटरडे तो बहुत रश भी है। सो ये पार्किंग एरिया है, अभी हम लोग गाड़ी लेके निकल जाएंगे और फिर मैं आपको थोड़े टाइम में ही सब इन्फॉर्मेशन बता दूंगी यहाँ के क्या क्या है, लाइक एंट्री फीस एंड ऑल सब। बड़ा खतरनाक रश है। अच्छा हुआ हम लोग कल आए थे, तो कल से आज तक बहुत प्यारा दिन गया हम लोग का, बहुत एंजॉय किया। तो थोड़े टाइम में ही मैं आपको पूरा इन डिटेल बता दूंगी गाड़ी यहाँ से निकलने के बाद, बिकॉज इतना रश है ना। लाइक ये देखो, बीच बीच में गाड़ी लगाई है और उस कोने में हमारी गाड़ी है। तो वो गाड़ी निकलने के बाद मैं आपको पूरा बता दूंगी थोड़ा बाहर जाने के बाद। सो या, सो हे गाइस, हम लोग नीचे आ चुके हैं पूरा घाट उतर के। तो आज सैटरडे तो बहुत रश है, मतलब हम लोग ने आते टाइम देखा बहुत लोग आए हैं माथेरान। तो माथेरान बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ चिल करने के लिए। दो तीन दिन आप वहाँ से आराम से रह सकते हो और रूम्स वैसे रिजनेबल है, बट आप अच्छे से ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको। सब एमिनिटीज़ आपको ऊपर मिल जाएगा, रूम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, वेज नॉन वेज, मेडिकल, किराना स्टोर, सब कुछ ऊपर है। तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। नीचे आप पार्किंग के लिए प्रॉपर आपको प्लेस मिलेगा और एंट्री फीस वहाँ पे 50 रुपीज़ है, वो पे करना पड़ता है। पता नहीं क्यों करना पड़ता है, बट पे करना पड़ता है। एंड ट्रेन अवेलेबल है नेरल से और माथेरान तक, तो आप इजीली ट्रेन से भी जा सकते हो इफ़ आपको ट्रैक करके ऊपर नहीं जाना है। तो रूम्स का मैं डिटेल्स सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छा रूम्स है और वहाँ का खाना स्पेशली बहुत अच्छा है, और आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, पूरा घर का बनाया हुआ खाना है, वेज नॉन वेज इंक्लूडिंग होता है, बट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है उसके लिए। तो आप वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो एक बार चेक कर दीजिए जाने के पहले। बट सच में वर्थ प्रॉपर्टी है रहने के लिए और खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गाइस डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।